हाँ मेरे प्यारे भाइयों ध्यान दें, जब गंगाराम सुआ आज बदिका शिकारी के यहाँ फंस जाता है तो मन में विचार करता है कि अब मेरी प्राणी यहाँ से किस प्रकार बचेगी। इधर बदिका जो है वो कहता है अपनी बदकिनी से कि ए रानी, अरे इसकी वजह से तो बहुत ही नुकसान हुआ है, 100 सुआ 100 तोते यानी उड़ चुके हैं और यही अकेला फंसा, ऐसा नजर में आया कि ये सब इसी की करिस्तानी है, इसलिए अब इसकी तुम सब्जी बना लो जल्दी से। इतना कहकर बदिका तो चला जाता है गांव में बैठने। इधर क्या काम करती है, ज्यों ही उसकी दुल्हन बदकिनी मसाला पीसने को बैठती है तो सुआ ने सोची ना हो तो लाभ कोई जतन बता दे, अब कौन ऐसी जतन करे तासे जाकर ससुरी को कैसे वो हम पढ़ाई पढ़ुई दे और हमारी प्राणी बची जाए। ऐसी मन में बात सोच के तो सुआ बोलो, अरे सुनती ना हो बदकिनी, कहा का देखो सुन ले, एक बात तुम्हें हम बदकिनी बता रहे हैं, तुम्हारे बदिका ने हमें आर्डर तो दिए दो कि जागो मार डालो, जाके सब्जी रांध लियो, खा लियो, तरकारी बना लियो, एक का जो हम तुम्हें बतावे तो हमारी सुन ले। सुनाओ, देखो हम तो हैं बन की चिड़ैया और तोता और मैना की बात दुनिया जानते, जो हम कह दे सो बात साची लिख रहे है, गलत कतई ना लिख रहे है तमाम। अच्छा हाँ तो बताओ। अरे ऐसी घड़ी अब लागी है, अरे बदकिनी सुनो हमारी बात, अब जो कहूँ तुम बात हमारी मान जा बदकिनी, तब सुन ले हो जाएगी बड़ी सुंदर सी जा बात। देखो इस समय वो घड़ी लगी हुई है कि अगर तुम हमारे कहने से खीर और पूरी बना ले और खीर पूरी बनाए करके और थोड़ी सी तुम ले खाए और थोड़ी सी धत्ते अपनी कुठिया में सो खाइयो रात के 12 बजे और अपने बदिका के लिए यानी अपनी दुल्हा के लिए बाके ले एक काम करो, भिजरी की 2-3 रोटी पै दे नमक की, भिजरी की रोटी 2-3 और पै के धक दे, और जब आवे तो बागो बेही खवाई दियो। ऐसी बात जब पढ़ाई तो उन्हें फिर कहा होने सुनो, जब हो जाएगी तुम्हें रोज ठीक 12 बजे अपने आप ऑटोमेटिक धरी धराई भाई कुठी जाम खीर पूरी मिलो करे है। इस बेरा ऐसी घड़ी लागी तो उन्हें अच्छा, अब ऐसी बात पढ़ाई दी गंगाराम सुआ न भैया बदकिनी कौ है आज और तब है खीर पूरी तो रांग ली है बदकिनी ने, और भैया पलकी देर लगाई ना है हमारी ध्यान देने की बात। खीर पूरी कहो अरे रांग के आज थोड़ी सी खाई ली और बाकी कुठिया मैं धर दई आज, और सुआ ने मोसाई कह दई है 12 बजे रात पे अब खाऊंगी आज, तो रोज 12 बजे रात को हमें खीर पूरी मिलो करे आए। ऐसी बात मन में सोच के खीर पूरी तो रख दी और दुईता हुआ रे का रोटी बादिना बिझरी की बनाए बनाए नहीं हमारे सुन भैया सो अपने दुल्हा का उधर दई आए। अरे आज तो खवाऊंगी रे माए ताऊ जे रोटी दुल्हा खाओ, क्या बात बिझारी की रोटी खवाऊंगी मैं तो अपने बदिका खाओ, तौलाओ बदिका आई गाओ खुद ही घर पाए है राम, रोटी तो खवाए दे मेरी बदकिन भूखा हमें है लागी, तब है कभी झरी की रोटी अघेला धरी नहीं मेहरुआ नहीं लाए। जैसे ही रोटी काए खाना बाओ भाई तो, हाँ मेरे प्यारे भाइयों जैसे बदका खाना खाने के लिए बैठता है तो बिजली की रोटी देखता है, कहता तो कुछ नहीं है, उधर बदकिनी जो है जैसे पानी लेने के लिए जाती है अपने पति को पिलाने के लिए, वैसे ही बदका ने जब देखा गंगाराम की तरफ और कहान लगो क्यों रे सास के जाता बताओ, अरे तू ऐसे ही जो श्री टेटो कत बैठो का मेहरबान तो काटो ना है, का तेरी सब्जी ना रानी तो नहीं हो सास के सुनाओ
तुम्हारी मेहरुआ वो फुसपाई कहाँ मिलत हमारे काटन के लिए? कही तुम्हारी मेहरुआ पानी भरने चली गई, ता से हम बताए दे तुम्हें, वही से हम नाय बताऊ ते। तो बदिका बोलो बताबो बताबो सुआ का बात, तुमने देखो तुम्हारी मेहरुआ को फुर्सत ना मिलती गुंडन से? कही तुम्हारी मेहरुआ को गुंडन से फुर्सत ना मिलती हैगी? और सुना हमें वो कटती कैसे, हमें मरती कैसे? तब कैसे कहा सुआ, कैसे कहा? अरे तेरे अरे का घर पाए बदिका गुंडा सुन ले आ मैं, रोज सासु के खीर पूरी का सूतत ही आए। तेरे अरे कल तेरे लाए तो जब बिजली रोटी पाई के धरते ही, और देख तेरे कुठिया में गुंडन के लाए खीर पूरी धरिए रात के तेरी बदकिनी ने। तासा ऐसो काम कराओ सासु के झूठ माना तो तुम देख ले हो, तो वह हमें कटती है कैसे बात, सतह ना मिली है तो लाइन लगी लाइन। आओ एती अरे का बात सुनी लई जब काबा बदका नहीं, तब है कुठिया खोल के देखत आज सुन भैया हो जाए। आओ जाए के देखी रहो बाओ कुठिया माए, तो खीर पूरी तो खुद ही धरी बात खाई गई है यार। ओ हाल बताओ मेरे ओ सोना भैया, क्या बात भैया मेरे? आओ जब का खीर पूरी देखी बल का नहीं, ताऊ पुस्ता काई है पसन भैया, पुस्ता मैं भाई के बाबा दी का जाए, आओ डंडा सूती लाओ सुन ले कोई आज, आओ जैसे ही पानी भर के आई बा नेहरुआ दे दो लेके खुद ही थपट के आज तुई चार सूती दे, अब तैया चालू कहे मचो है घर में। अरे तारी जार मुझे काहे को मारे दात, तेरो मरे तेरो नासरो, कोई बात तो बताओ। अरे ऐसी कहा बात, यही जो लबे दो लय सूते धरे दे तुम्हारी सब दे ही बोरी के दस दई, आए तारी जार कौन ऐसी खता हुई, यही हम पे जो तू ऐसो हम पे लबे दो मात चलो आओ दे वो। ऐसी बात जब बदकिनी बेर बेर कायो बड़ी गुस्सामद कर रहे, एक का बदिका कतई सांस ने नाई ले सूतत चलो जाए लबे दो। सोई मेरे बदिका जी अरे कौन खता मेरे रसिया में पे हुई गई, हाल बताए दे मोए काहे खाओ तुम पारो। तुम्हारे हाल बतला मसुआ ना के प्यारे भाई, सुआ जो था वो देख रहा था, उसने कहा कि खाम खाम है जब बदकरी अब मात डाली जाए ताजे कोई जतन कराए, उतरे तो बदिका और बदकनी आपस में झगड़ा करे पड़े हैं मेरे प्यारे भाइयों। और उस बदिका और बदकिन का यानी शिकारी और शिकारिन का एक लड़का था, उस लड़के से नन्हे मुन्ने बच्चे से उसने कहा सुआ ने रे इतने कवाओ कही वो लला बात तो सुन ले, तेरी अम्मा को जो सारो डरे है मार कतई जान से, ताजे एक काम कर मेरी खिड़कियां खोल दे तो मैं तेरे अम्मा पप्पा की लड़ाई बचाए दे। ऐसी बात जब कही तो बालक के समझ में कोई बात ना आई, बालक ने खिड़कियां खोल दी अब गंगाराम सुआ की। जब गंगाराम सुआ छत पर उड़ के बैठिए तो कहन लगे अरे सुनत ना हो बदिका, उन्हें कहा उन्हें अरे सास को तुम तो ऊपर बैठी है, उन्हें हाथ ताई से तो तुम्हें बता रहे हैं बात सुनाओ। आओ ऐसी सूती तेरी सास के बदकिनी, कही ऐसी सूती मेहरुआ तेरी सास को तुम्हारे मारे दास, कही हम तो अपने बचन के मारे जी ऐसे जतन करे, तेरी मेहरुआ तो बड़ी सीधी है तेरी के समझ लो, ऐसी तो मेहरुआ तो को सात जन्म लो ना मिले है, एती गऊ है एती सील सती है, और हमने तो अपने जाल में से निकलने के मारे जी जतन करे। आओ हम ना अपने बचन के पीछे ला,
आओ ऐसे जतन कोई करे हिया आए एती सूदी कोई सासु के तेरी बदकिनी ना हकमाए जाकव तुम हमारी रहे आए और ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावा है आओ ज्यादा कौन कराए भगवान अरे अंबर पै जब सुना उड़ी गाओ आओ अंबर में पंख दाए है फैलाए एक पंख में पानी पूरा वहाई आओ एक माए पानी लाओ पटिया सुना जाय रहो आओ सुना बवा समान माय मर रहा देखाओ कोई अघड़िन के लो मर जा दिन माए बाबू जी गाओ कर नर भर मै जाए यहाँ लगी है कचेरी राजा नल की आओ भारी लाग रहे हैं दरबार आओ हुई पैक जाओ सुना पहुँचो आओ गंगा राम पहुँचे नर भर जाए अरे भूल गया लल्ला यही पे लगाए ने उना घर की ताल हाँ मेरे प्यारे भाइयों आज गंगाराम सुआ जब देश नरवर में पहुंच जाता है तो उसने मन में विचार किया कि मैं इस चिट्ठी को जाकर के दूंगा जैसे ही नरवर में पहुंचता है वैसे ही ढोला कुमार की जो दूसरी रानी है रेवा उसकी नजर में जब गंगाराम सुआ आ जाते हैं तो फौरन गंगाराम के गले से चिट्ठी को खोल लेती है और गंगाराम को भी अपने पिंजड़े में बंद कर देती है। हमारे प्यारे भाइयों ध्यान दें आप अब तोता और मैना दोनों ही प्राणी आज देश नरवर में रानी रेवा ने कैद कर रखे हैं और उस गौने वाली चिट्ठी को जो मारू ने भेजी थी दो चिट्ठियां वो दोनों ही गायब कर ली हैं। इधर ढोला की अजब कहानी अरे जैसे बढ़ाए दूध में पानी हाल बता मैं तुम्हें समझा है सो भैया हमारी सुन ले ध्यान से कहानी गढ़ नरवर के बीच में भय कौन से काम और जब का चिट्ठिया दो न हुई रह गई तब अब आगे के सुन ले हाल। ए मेरे प्यारे भाइयों चिट्ठी तो वहां पर पहुंची लेकिन पहुंची रेवा के पास। इधर मारू को जब काफी समय बीत गया तो मारू को फिर चिंता होती है कि अब क्या करें तब तक क्या होता है क्या होता है। अरे लगो है महीना तदा सावन को और घर घर सखियन के त्योहार औ हाल बता मैं देश पिंगुल के तो पिंगुल मैं होत कौन से काम। ए मेरे प्यारे भाइयों अब शहर पिंगल में जब सावन का महीना लगा तो आज मारू भवानी जो है मारू लड़की संघ की सहेलियों के साथ में चमन बाग नौलखा बाग में पहुंचती है और झूला झूलती है तो आप देखें किस प्रकार सखियों के साथ सावन गाती हैं और झूला झूल रही है। तो कोई सखिया बारह बरस की और कोई है सोलह की बिजनार और संग में डुकरियां हैं अस्सी बरस की और जिनके मुख में एक और दांत है नाय। तब काऊ को झूला अम्ब डार पे और काऊ को परो है पिपरिया डार और मारू को झूला है लौंग बिरछ पे हमारी ध्यान देने की बात और रूप की जा अगरी है मारू बेटी और लली की शोभा पर नहीं नाए जाए। ए मेरे प्यारे भाइयों एक बात पर आप ध्यान दें सवाल यहाँ पर एक उठता है कि मारू को ये पता कैसे चला कि मेरी शादी
कब हुई है। ध्यान दें, मारू को ये कैसे पता चला कि मेरी शादी कैसे और कहां हुई है। एक समय इससे पहले इसी चमन बाग में जब झूला झूलने मारू आई थी तो इसकी सहेलियों ने बोली मारी कि ए बहन, अगर तेरा पति ऐसा होता तो तेरा गौना ना करवा लेता, तू जवान फिर रही है यहाँ पर और हम सारी सखियां तो रोने गौने भी जा रही हैं, लाल भी खिला रही हैं और तुम तो यूं ही बिल खा रही हो। ऐसी बात जब कही थी तब तो उसी दिन से मन में विचार करके और मारुवती ने अपनी माँ से जब जतन को पूछा और जब जतन को पूछा तब अपनी माँ सिरौंजा के कहने से हर बात को उसने जाना था। इसी प्रकार आज वो चिट्ठी को दो बार भेज चुकी है और अब फिर से झूला झूलने जब पहुंची है तो आप देखें किस प्रकार वो झूला झूलती हैं, सावन गाती हैं सखियों के साथ और कितनी रूप में सुतरी है वो मारू, मैं आपको बतला रहा हूं, ध्यान दें। रूप की अगरी नार मार बे हमारी ध्यान देने की बात, हाल बता मैं तुम्हें पिंगुल गड़ मैं और बाऊ बबिया के सुना मैं हाल। ए लहर लहर लहरात चिड़ैया और पुरवैया की मारी रे, हे भैया मारू ऐसी सुतरी है, एक तो बाली उम्र है, चमन बाग में सखियों के साथ झूला झूल रही है, आप ध्यान दें वो कितनी रूपवती थी। लहर लहर लहरात चिड़ैया पुरवैया की मारी रे, आओ केरा को सो बनो लउदरो मुंदरी भर अधिकारी हैया रे, घात बाग मैं जा बन जाए नागिन कारी रे, कुशल करे भगवान या भाई मारू उमरिया भारी रे, पानी ऐसी पातारी हारा दी ऐसी पियारी लाली के सिर रतनारे की, जा धुआं धार की ओढ़े चुनारिया, जा धुआं धार की ओढ़े चुनारिया लाली के सिर रतनारे के, आओ क्या गति बरनाओ माए धन मारू की, ताओ शोभा नाय मोपाए बरनी जाए, आओ बहुताए सुतरी कहे जा मारू आए लाली की कोई शोभा नाए भरली जाए, और सोला सिंगार जा करे हाय मारू। ए मेरे प्यारे भाइयों, चमन बाग में सोला सिंगार करके आज मारू भवानी जब सखियों के साथ झूल रही होती है तो आप ध्यान दें कि झूला झूलते ही झूलते होता क्या है, क्या होता है, आओ घुंघटा उड़ गयो है धन मारू को, बिनिया को लपा को जब लागो अंबर में ताओ कौंधा बिजली सो उड़ जाए, बिंदिया का यानी कौंदा होता है तो उसी देश में धुरे के ऊपर देश पिंगल के किनारे एक लाखा बंजारा अपनी बंजारी के साथ लाख बंदियों लिए हुए जो कि रोजगार करता था बंदियों का,
आज वो वहाँ पर देखता है कि बिना बादल और बिना बदलिया ये कौंधा कहाँ से हुआ है, तो किस प्रकार पूछता है। सोई मेरी रानी जी, अरे नाए कहूं बादर नाए कहूं बदरिया, ओ बंजारिन जाओ कौंधा कैसे हुई रहो जी। आओ कौंधा कैसे जाओ हुई रहो मेरी रानी, ना बादर है ना बदरिया और ये कौंधा किस प्रकार हो रहा है। तब वो बंजारिन कहने लगी, अरे महाराज आप इन बातों को मत पूछो, जब वो ज्यादा जिद करता है बंजारा तो बंजारी किस प्रकार कहने लगी। कैसे कहती है बताई तो है सुनो। आओ देता पिंगुला माए राजा बुधाए, आओ तिनकी लड़की नी एक मारू हुआ है, आओ चमन बाग माए बाझूला झूलाए, आओ घुंघटा उड़ी रहो ओ मेरे दुल्हा, बिंदिया साए कौंधा लपटि गौहार। अरे बाई कोत जाओ कौंधा हुई रहो मेरे सजना, ध्यान दे लगी अपार। अरे हमारी तो रानी सुन ले तुम लगाई के मेरी ध्यान। हे मेरी रानी साहब, उस बंजारे ने कहा ठीक है, अगर कौंधा उस मारू से हो रहा है तो इतनी सुतरी मारू है जो ऐसो कौंधा बाके घूंघट उड़िया उस बिंदिया को ऐसो लपाको भाव। एक काम करो बंजारिन, के तन मैं मारू मेरे मन मैं मारू, अब मेरे मारू मैं बसत है प्राण और संग झुलाए देव तुम मोए मारू के। और रानी सुनाओ हमारी बात, और ऐसी बात कही जब बंजारे ने तो बंजारी कैसे रही बतलाए, और हाल बता मैं तुम्हें मेरे ओ तो बंजारे, और साजन सुनाओ गले के हार। मुख की जिबिया तुम मुख में दाब ले ओ, और बंजारे अपने हन ले ओ बतीश दांत, और ऐसी वाणी तुम मत बोलो और ना हुई जाएगी गजब की बात। बहुतेरो समझावे बंजारिन और बंजारे के समझ में आवे ना, और तब है बंजारी कहन लगी है अब मेरी सुनाऊ गले के हार। हे महाराज बंजारे, अगर तुम नहीं मानते हो तो एक काम करो, चलो मैं तुम्हारे लिए एक यतन बतलाती हूँ, और आप वैसा ही यतन करो तब मैं तुमको झुला सकती हूँ मारू के साथ। तो किस प्रकार बंजारी ने कहा, कैसे कहा ध्यान दें। देखो रानिया फुलावा केरे कारण मैं जनाने बने थे उधय सिंह राय, देखो रानी फूलवा के कारण मैं क्या बात है, जनाने बने थे उधय सिंह राय, आओ तैसे जनाने तुम अपन जइयो मेरे दुल्हा सुनाओ गले के हार। तुम ना कछि दाय के ना सुनी पहनाओ, ए भैया ध्यान में कहना है, तुम ना कछि दाय के ना सुनी पहनाओ, आओ साड़ी बलमऊ पर से फिर पहनाओ, तुम कासमीर को टड़िया पहन ले, अरे भेष जनानो दुल्हा बनाए ले, बंजारे सुनाओ हमारी बात। जनानो बनावो
आओ झूला मारू के संग झूलवाए हाँ नाय। जब तक आप बनाने नहीं बनेंगे तब तक मारू के साथ झूला नहीं झूल सकते। कहीं ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे, आओ आओ लाखा बंजारो जनानो बनी रहो, आओ धरी लाओ पाने जनानो के। सोई सुना बैयाओ जी, अरे जब का भेष जनानो धरी लाओ पंजारे नए तब कैसे। कोई सुना भैया जी, अरे जब का भेष जनानो धरी लाओ पंजारे नए तब कैसे बजा बतलाए रही जी। चलिया बलब मेरे चमन बाग में, आओ संग मैं मारू के झूला झूलवाए दे, अरे संग मैं झूला मारू के झूलवाए दे, बलब मेरे चलो गले के हार। अरे आ भैया यही पे लगा लो ना घर की। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, अब बंजारिन और बंजारा जो है दोनों प्राणी चमनबाग में पहुंच जाते हैं जहां पर के मारू झूला झूल रही थी। आज लाखा बंजारे को जनाना बना करके जब ले गई है तो मेरे प्यारे भाइयों किस प्रकार मारू से कहने लगी वो बंजारिन, ए बहना मारू सुन लीजियो, और बहन मेरी ध्यान देन की बात, और हाल बता मैं तुम्हें समझा मैं, और बहन मेरी ध्यान देन की बात। कहन लगी बा बंजारिन, देखो हमारी बहनौती है जा, हमारी यानी बहनी की लड़कीनी है, सो जाने बड़ा जिद ठान लगी और जा काज की हम तो मारू तुम्हारे ही संग झूला झूले आए, ताशा हमें झूलवाए दे। मारू कहने लगी कि सुन लो, हमारे यहाँ नौलखा बाग है, ये यहाँ पर तमाम झूले पड़े हुए हैं, जिसके साथ में चाहो और अपनी बहनौती को झूलाए दो, एक का मैं अपने साथ में किसी को नहीं झूलाऊंगी। बार बार समझाती है मारू, और जब वो नहीं मानती बंजारिन, बार बार यही जिद करती है कि नहीं ये तो तुम्हारे ही साथ झूला झूलने की जिद ठाने है, तो आप देखें, अरे ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे, और भैया ज्यादा कौन करे बकवास, और मठा बढ़ई दे कौ जल चाहिए, वाला ढोला कौ दिमाग। जब ज्यादा ही कुछ मजबूर कर दिया है मारू को, तब कहती है अच्छा कोई बात नहीं, जब तुम नहीं मानती हो तो आओ बैठा लो झूला पे। अब झूला पे वो बंजारो बैठ गयो, अब भैया ध्यान देन की बात, हाल बता मैं तुम्हें समझा मैं।